उत्तर प्रदेश के कासगंज में बिकरू जैसा कांड हुआ। यहां शराब माफियों के घर नोटिस चस्पा करने गए पुलिस कर्मियों पर बदमाशों ने हमला कर दिया। इस घटना में सिपाही देवेंद्र शहीद हो गए हैं। सिपाही देवेंद्र सिंह आगरा जिले के गांव नगला बिंदु के रहने वाले थे। उनकी तैनाती कासगंज के थाना सरपुरा में थी। दरोगा और सिपाही अवैध शराब की सूचना पर छापा मारने गए थे, जहां शराब माफिया ने हमला कर सिपाही देवेंद्र सिंह की हत्या कर दी और दरोगा अशोक कुमार सिंह को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उनका इलाज चल रहा है। मारे गए सिपाही देवेंद्र सिंह के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। शहीद होने की खबर जैसे ही उनके किसान पिता महावीर सिंह को पता चली तो पूरे घर में कोहराम मच गया। पिता रात में ही रिश्तेदार के साथ कासगंज के लिए रवाना हो गए। सांत्वना देने के लिए ग्रामीणों की भीड़ सिपाही के घर में अभी भी मौजूद है। सिपाही देवेंद्र अपने घर का इकलौता बेटा था। उसके परिवार में किसान पिता महावीर, बहन प्रीति जिसकी मई में शादी है, पत्नी चंचल और दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी वैष्णवी 3 साल की है, जबकि छोटी बेटी 4 महीने की है। पति के मौत की खबर से पत्नी बेसुध है। उसकी हालत देखी नहीं जा रही। सभी उसे शांत कराने का प्रयास कर रहे हैं। सिपाही देवेंद्र की शहीद होने की जानकारी शमशाबाद थाना में रहने वाले सिपाही ने फोन कर परिवार को दी है। सूचना देने वाला सिपाही कासगंज में तैनात है। देवेंद्र के शहीद होने की खबर मिलते ही पूरे गांव के लोग स्तब्ध हैं। हर कोई ये कह रहा है कि जो भी हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ है। बता दें कि कासगंज में छापेमारी के दौरान दरोगा को बंधक बनाए जाने और सिपाही देवेंद्र की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। अब आप चाहते क्या हैं, क्या मांगा? अब मांग यही है कि एक तो उनकी शहीद स्मारक बने उनके नाम से, यही मूर्ति वूर्ति बने उनकी, और उनके लिए घर के लिए तो कुछ और एक्स्ट्रा हो ही, क्योंकि 2 बच्ची हैं उनके और कोई तो है नहीं, और माँ बाप हैं उनके और एक बीवी है बस। सरकार ने कहा है कि बड़ा एक्शन होगा, कोई बख्शा नहीं आएगा, जो भी नहीं एक्शन तो हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक एनकाउंटर भी हो गया है, सुनाई में आई है हमारी में तो, पर हमें एक्चुअली में पता नहीं है पक्का कि हुआ है कि नहीं हुआ है, पर एक्चुअली में बताया जा रहा है कि एक एनकाउंटर हुआ है। ये बताइए कितना दुख है पूरे गांव को? दुख तो इतना है कि यहाँ लोग बाग रात से ही, जब से घटना स्थल की मालूम पड़ी है या उसी समय से यहाँ लोग बाग जुटे हुए हैं। पूरी रात होगी यहाँ पर लोग बाग को जुटे हुए, और आप देख रहे हैं कितने शोक, कितने शोक में हैं गांव के लोग, और यहाँ से कम 100 लोग के आसपास वहाँ पे हो कासगंज में भी हैं।